वॉट आर द साइंस दैट अ गर्ल इज अ गोल्ड डिगर? वो बाहर जाएगी और पे नहीं करेगी। H&M के उसका स्क्रीनशॉट भेज सकती है कि ऑनलाइन पे कर दो प्लीज। वो उसे बोलेगी कि मेरा रिचार्ज करवा दो फोन का। शील कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कि या मेरा ये हो गया, मेरा ये टूट गया। वो बोलते हैं हाँ बेबी मैं आ रहा हूँ, मैं दिलाऊंगा तुम्हें, मैं ही तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारी माँ, मैं ही तुम्हारी माँ, मैं ही तुम्हारा बाप, मैं ही तुम्हारा ATM कार्ड कार्ड हूँ। कार्ड लेने के बाद कार्ड देगी। आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी लड़कों के लिए जिनका कभी ना कभी कटा जरूर है, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो जरूर देख लेना। और अगर आप चाहते हो कि आपका लाइफ में कभी ना कटे तो ये वीडियो देखनी तो बनती है। और चलो छोड़ो यार, बस वीडियो देख लो, समझ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या साइन लड़कियां देती हैं जिसे पता चलता है वो लड़के को डेट करना चाहती है? शी विल बी मैसेजिंग यू फर्स्ट। उसकी हर बात पे मैं हंसूंगी जब हम उन्हें बार बार देखते हैं। कोई अलग तरीके से देखते हैं? ऐसे कॉन्स्टेंटली लाफिंग विद हिम। वो तो आप पिछले 5 मिनट मेरे साथ भी कर रहे हो वैसे। शी विल कीप आस्किंग अबाउट हिम, अबाउट हिज डे और व्हाट ही एट। शी विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ हिम कि हाँ खाना खाया, मेरे सोना बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। Show that I'm interested. I'll talk more. I'll call him. मतलब लड़कियां दिखा देंगी इंटरेस्ट, वो एटीट्यूड नहीं दिखाएंगी। काफी एविडेंट होगा कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं। डेफिनेटली उसको ये जरूर बोलेगी कि ठीक है आप हमें अच्छे लगते हो, या फिर डायरेक्ट बोल देगी हाँ कि नेक्स्ट मीटिंग कब करनी है। नेक्स्ट मीटिंग कब करनी है सीधा बोल देगी, इतनी फ्री फ्रैंकली बोल देती लड़कियां। आप बोल दोगे? मैं बोल दूं, मतलब घुमाती फिराती नहीं। नेक्स्ट मीटिंग तो कब करें? नेक्स्ट मीटिंग बताओ, अभी कर लेते हैं। I think I'll add more emoticons while talking. किस तरह के emoticon होंगे जो लड़का सोचे समझ जाए कि हाँ डेट करना चाहते हैं? ऐसे किसी वाले या फिर दिल किसी वाले बाबू को किसी मिलेगी किसी अच्छा किसी या फिर दिल वाले ऐसे ऐसे अलग अलग कलर के हार्ट्स, अलग अलग कलर के। बट अगर वो तो फिर फ्रेंड्स भी भेजती हैं कहीं? मैं फ्रेंड में भेजती ही नहीं। Generally girls avoid the men they want to date. They avoid the men. Yeah, you know just to bring him. मतलब हाँ जितना दूर जाएगी उतना पास वो आएगा। हाँ, रिवर्स साइकोलॉजी। इट वर्क्स मतलब समझ जाओ लड़की की नाम है उसकी हाँ है। नहीं ऐसा हमेशा हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। अगर वो आपको सीधे सीधे बोल रही है भाई मेरे को नहीं, ये नहीं कि चेप ही हो जाओ। हाँ तो इट इज, बट इफ शी इज फ्रेंडली विद यू एंड शी टॉक्स टू यू एंड टीज करके चली जाए। हाँ वी लाइक थिंग्स जो हमें थोड़ी सी मुश्किल के बाद मिलती है। मजा तो चेज में है एक्चुअली। और जो जो पसंद होता है उससे थोड़ा एक ना ऑकवर्ड सिचुएशन मेंटेन रहता है। क्या साइंस एक लड़की देती है जिससे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड है बट फिर भी वो दूसरे लड़के को लाइक करती है? मे बी वो उससे पहले पूछेगी कि इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड और नॉट। अच्छा, सो शी मे शो इंटरेस्ट इफ ही डजंट हैज अ गर्लफ्रेंड। मतलब कोई बात है, कोई भी बात, एंड शी इज नॉट कॉलिंग हर बॉयफ्रेंड टू टेल यू नो, एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन शी इज टेलिंग। Then, okay. Yeah, you are the one. She might flirt back. Yeah, and if the guy is flirting, she might be show some interest. And मतलब अगर लड़का बोल भी रहे that since you are committed, तुम क्यों flirt कर रही हो, so she might overlook that. अच्छा. She'll keep meeting him. That guy, she'll keep meeting him, and she'll ask to you know join him everywhere. चाहे boyfriend के साथ भी बट बुलाएगी. Yes, exactly. Yeah, triple dates basically. Triple dates. Yeah. मतलब थ्रीसम, not on bed but on dates. She'll answer उसके कॉल सबसे ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के। And probably जब भी वो उससे मिलने जाएगी, she won't tell her boyfriend की। She won't tell or she won't. She won't tell him. मिलने। हाँ कि मैं मिलने जा रही हूँ। तो अगर लड़के आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो जरा बच के रहो। थोड़ा बहुत लटक झटक दिखाना आगे से। कैसे लटक झटक के? ऐसे करके देखना कि हाँ चलो ठीक है। पर्सनालिटी या टॉकिंग वे से इंसान पता कर लेता है। वही तो, कैसे क्या ऐसी बातें करेगी या क्या बोलेगी ताकि उस लड़के को लगे कि यार ये मुझ में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट टाइम हम मिलने का प्लान कर लेते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ। अच्छा। ये जैसा भी है। बॉयफ्रेंड के होने के बावजूद उसे बोलेगी मेरे से मिलने का प्लान कर ले। राइट। अच्छा वैसे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली बोलेगी, डायरेक्टली तो नहीं बोलेगी, लेकिन अगर लड़का इतना स्मार्ट होगा तो वो खुद ही समझ जाएगा। अच्छा, मतलब लड़के को समझदार होना चाहिए।
क्या बात है, आपकी इशारे ऐसे हैं ना कि लड़के समझ जाएंगे उसे तो। आई थिंक फ्लर्टिंग इज द बेस्ट वे टू यू नो शो बॉयफ्रेंड होते हुए बॉयफ्रेंड होते हुए भी फ्लर्ट करेगी तो मतलब शी हैज अ थिंग। ऐसा भी नहीं है, मतलब डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फ्लर्टिंग आल्सो। आई गेस डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए कि बाद में फिर ऐसा ना हो कहे नहीं मैं तो ऐसी फ्लर्टिंग कर रही थी। हाँ। मैं नहीं आना चाहती हूँ, मैं खुश हूँ। डायरेक्ट लड़के को पूछ लेना चाहिए। हाँ ये देखो ये कितनी अच्छी लड़की हमें बचा भी रही है, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि लॉलीपॉप मिल रही है और बाद में आया तो कट जाए, है ना, इसलिए पूछ लो। वेरी स्मार्ट गर्ल यार। व्हाट आर द साइंस अ गर्ल गिव्स दैट शी वांट्स टू फ्रेंड जोन यू? आई गेस लड़कियों ने ना मैंने बहुत बार देखा है दे हैव रिजर्व डिफरेंट कलर हार्ट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स। लाइक अगर फ्रेंड जोन है तो यूजुअली येलो हार्ट आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स सीधे कह देती हैं आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड। दुनिया की सबसे बुरी लाइन लगती है हमें। फ्रेंड जोन में मतलब ऐसा रहेगा कि बहुत चिल रहेगी वो बंदी उसके साथ, मतलब दोस्त है तो दोस्ती सब बातें कर लेगी, बॉयज टॉक भी कर लेगी, वेल रिप्लाई लेट और मतलब ऐसी मतलब एक बारी पढ़ के रिप्लाई ना भी करो। हाँ ना रिप्लाई करो, ये पॉइंट टू पॉइंट बात करो बस, ज्यादा नहीं फालतू नहीं। हाँ मतलब हाँ का जवाब हाँ। इफ अ गाय इज लाइक शोइंग इंटरेस्ट इन मी एंड आई डोंट वांट एनीथिंग तो आई विल गोस्ट आउट फॉर अ फ्यू डेज। गोस्ट आउट फॉर अ फ्यू मतलब गायब हो जाओगे? या थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, कुछ दिन बाद अपने आप समझ आ जाएगा। ब्रो बोलने लग जाएगी। ब्रो अच्छा बी आर ओ बोलेगी ब्रो, एक होता है बी आर यू एच तो इसलिए एक स्लैंग में बोलेगी ब्रो और एक बोलेगी ब्रो। भाई साहब बड़ी डिटेल में फ्रेंड जोन करा लड़की ने, मतलब बी आर यू एच इज नॉट फ्रेंड जोन, बी आर ओ इज फ्रेंड जोन। या मैं हर मैसेज ब्रो से स्टार्ट करूंगी, ये ब्रो अच्छा ब्रो कहा है क्या है जो भी मुझे बात करने कर लूंगी बट ब्रो लगा दो। ये ना इनके पास वो ब्रह्मास्त्र है कुछ भी बोलने के बाद ब्रो, ताकि बंदा खुश भी हो रहा हो तो टैं, है ना। मुझे आदत है, एक एक्सपीरियंस है। फ्रेंड जोन की महारानी ये बैठी हमारे सामने। द गाय विल कांस्टेंटली फ्लर्ट विद द गर्ल बट वो लड़की ना हंसने वाले इमोटिकॉन भेजेगी हर बार, तो शी वोंट रिस्पोंड टू हिम। तो एक लगता है कि हाँ फ्रेंड जोन कर रहा है वो उसको लग रहा है कि हाँ शायद सामने से हिंट आएगा शी इज इंटरेस्टेड, बट नहीं भाई नहीं बात करनी, मतलब टालेगी भी नहीं और रिप्लाई करने के लिए हंसने वाले एग्जैक्टली हंसने वाले इमोटिकॉन इज द फ्रेंड जोन, कट गया। मैं तो डायरेक्टली बोल दूंगी। क्या बोलोगे? मेरे को फीलिंग नहीं आ रही आपको देख के, बस बोल देगी। हाँ डायरेक्ट बोल दोगे? मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती सामने वाले, सही बात। फीलिंग नहीं आ रही अंदर से आपको देख के, आपको देख के फीलिंग नहीं आ रही। अच्छा जी मुझे बोल दिया आपने कि मुझे देख के फीलिंग नहीं आ रही, मुझे देख के आ रही है भाई, मास में ही फीलिंग आ रही है। व्हाट आर द साइंस दैट अ गर्ल इज अ गोल्ड डिगर? लड़की कार देख के उसे जज करती है, पहले मीटिंग में मिले हो कि अरे यार कार अच्छी नहीं थी इसकी, नॉट कंफर्टेबल एट ऑल एंड शी विल नॉट मीट हिम एवर अगेन। H&M के उसका स्क्रीनशॉट भेज सकती है कि ऑनलाइन पे कर दो प्लीज, मतलब कुछ भी चाहिए तो ऑनलाइन प्लीज पे कर दो और बाद में पे करने का ऑफर ही नहीं करे। वो बार बार कहेंगी कि चलो कुछ खाती या फिर चलो घुमाओ या फिर चलो मॉल चलो, ये ड्रेस अच्छी है वो ड्रेस अच्छी है, कार में घूमती हैं, उन्हें चाहिए पैसे वाले लोग जो हर वक्त कार में घूमे शॉपिंग कराए। व्हेन यू गो आउट फॉर अ डेट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन पेइंग, शी वोंट इवन ऑफर टू स्प्लिट द बिल, शी विल प्रिटेंड टू बी सैड सो दैट यू गिफ्ट हर समथिंग एंड देन शी विल बी सॉर्टेड के चलो ठीक है तुमने मुझे दिया इसलिए मैं मान जाती हूँ। उससे बोलेगी कि मेरा रिचार्ज करवा दो फोन का, बेबी डेटा पैक खत्म हो गया, या फिर मेरी टैक्सी का पे कर दो, कुछ कर दो, टैक्सी बुक करवा दो। आई थिंक दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए ऑब्वियसली, बट देन यू नो अगर एक साइड से ज्यादा गिफ्ट्स और मटेरियलिस्टिक चीजें दी जा रही है तो ऑब्वियसली लड़की इंटरेस्टेड पैसे नहीं। हाँ शी विल कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कि या मेरा ये हो गया मेरा ये टूट गया मेरा वो टूट गया मेरा ये टूट गया प्लीज मुझे दिला दो। वो बोलते हैं हाँ बेबी मैं आ रहा हूँ मैं दिलाऊंगा तुम्हें, मैं ही तुम्हारा बाप मैं तुम्हारी माँ मैं ही तुम्हारी माँ मैं ही तुम्हारा बाप मैं ही तुम्हारा ATM कार्ड कार्ड हूँ। कार्ड लेने के बाद कार्ड देगी, कार्ड स्वाइप हुआ फिर उसकी जिंदगी से स्वाइप हो जाएगी। अगर वो फ्लॉन्ट कर दिया फ्लैक्स मार दिया कि मैं यहाँ से शॉपिंग करती हूँ मैं कोई, अब इफ शी इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ ओनली नो मतलब हरसेल्फ मतलब मटेरियलिस्टिकली कि नो मैं मुझे ऐसी चीजें पसंद है एलवी और गुच्ची की बैग लेती हूं बस मुझे कपड़े ऐसे पसंद है मैं अपनी दोस्त के साथ वहां गई थी मैंने वहां से ये खरीदा देन मीन शी इज नो तो उससे कैसे चलता है वो आपके पीछे पैसों के लिए वो तो अपना शो ऑफ कर रही है ना। इफ आई वांट समथिंग ना आई विल शो द रिफ्लेक्शन ऑफ इट। अच्छा कि मैं तो ये करती हूँ तो मेरा तो ये स्टैंडर्ड है। हाँ मेरे को ये चाहिए ये तो चाहिए बेसिक है मतलब अपने शो ऑफ करेगी ताकि वो उनको दिला के दे महंगाई। हाँ वो पहली बता रही है ना कि मैं ऐसे करती हूँ मैं ऐसे करती हूँ अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखा रही है तो बोले भाई तू इतना तो दे इतना तो दे डायरेक्टली उसकी डिमांड्स चालू हो कैसे डिमांड्स इन द सेंस कि मुझे अब फोन चाहिए या फिर शॉपिंग करनी है मेन चीज
मतलब आप किसी को मिले हो नहीं, बस डायरेक्टली मेरे को शॉपिंग करनी है, फोन दिला दो, मेरा रिचार्ज करो। रिचार्ज तो नहीं, क्या रिचार्ज तो नॉर्मल आजकल अपना तो करना ही पड़ता है, कर देते हैं लोग या खुद ही करवा लेते हैं। अच्छा, बट रिचार्ज तो नॉर्मल लिस्ट में हो गया अब तो। रिचार्ज तो मतलब लड़कों ने कराने ही, लड़कियों को आप भी करवाते हो? मैं नहीं कराती, मैं खुद करती। मतलब ऐसा नहीं होता, देखो किसी की अगर कुछ पर्सनल नीड है, फोन नहीं है वो चीज अलग है, लेकिन आप एवरी टाइम डिमांड कर रहे हो फोन चाहिए या फिर शॉपिंग करनी है 24 आवर्स की, कुछ ना कुछ चाहिए, तो मतलब वो गोल्ड डिगर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि अपना कैसे ना कटवाया जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर मुझे प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अब आप चैनल के मेंबर बन सकते हो चैनल को ज्वाइन करके, और मुझसे कर सकते हो लाइव वीडियो चैट पे बात। बस बाकी अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, अपने आसपास सफाई रखो, और देखते रहो द सिद्धार्थ तंवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, बाय। Oh,